कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर विदेश से आने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा रही है ताकि संक्रमण के को फैलने से रोका जा सके। मंगलवार को बांग्लादेश, मॉरिशस, सिंगापुर व कनाडा से 13 लोग शहर लौटे। जिला सर्विलांस विभाग ने उनके सैंपल जाँच के लिए भेजे हैं। इसके अलावा 9 और विदेशी का सैंपल लिया गया। ये कुछ दिन पूर्व शहर आए थे। मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम में कुल 3495 लोगों का सैंपल लिया गया। इनमें 2943 सैंपल जांच के लिए एमजीएम समेत अन्य टेस्टिंग सेंटर भेजे गए। जिले में मंगलवार को 3061 सैंपल की जांच हुई। इसमें 2114 आरटीपीसीआर, 395 ट्रूनेट और 552 आरएटी सैंपल शामिल थे। जांच में 5 संक्रमित मिले। ये मरीज क्रमशः बिष्टुपुर, मानगो, सुनारी व बारीडीह के रहने वाले हैं। अब जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 52123 पहुंच गया है। शहर के विभिन्न कोविड अस्पतालों में भर्ती कुल 5 मरीज मंगलवार को स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में अब तक 97.90% की रिकवरी रेट में कुल 51,028 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। 1,061 मरीजों की मौत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम में नवंबर में कुल 1,39,033 सैंपल की जांच हुई। इनमें 125 कोरोना संक्रमित पाए गए। 18 नवंबर को 10 और 27 नवंबर को एक दिन में 12 संक्रमित मिले थे। हालांकि पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 21 नवंबर को 0.71% दर से 702 सैंपल की जाँच में 5 संक्रमित मिले थे। 3 दिन एक भी संक्रमित नहीं मिले थे।